तवेरो, जैसे कि आप जानते हैं, भारत में निफा वायरस को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ गई है और केरल में इस वायरस की चपेट में आने से काफी लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि निफा वायरस आखिर क्या है, इसके लक्षण क्या है और किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था इटली के कैपेचिनो कैटाकॉम का, जिसे बनाने में मेरी मदद की थी जर्जन और माइक ने, जो कि रहने वाले हैं जर्मनी के, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो प्लीज उनके चैनल पर जाएं, उनकी वेबसाइट पर जाएं और उनके लिखे हुए आर्टिकल्स और वीडियोस को जरूर देखें। निफा वायरस का पहला मामला जो था वो सबसे पहले सिंगापुर मलेशिया में 1998 और 1999 में सामने आया था। ये सबसे पहले सुअर, चमगादड़ और अन्य जीवों को प्रभावित करता है और इसके संपर्क में आने से मनुष्यों को भी चपेट में ले लेता है। यानी कि सबसे पहले ये जानवरों में आता है, उसके बाद जानवरों से यह इंसानों में आता है। तो सबसे पहला मामला ही इसका देखने को मिला था एक गांव के आदमी में, जब एक गांव के आदमी की अचानक मौत हो गई और यह पता चला कि यह जो वायरस है उसमें ग्रस्त हुआ है उसी के जानवरों से उसमें आया है। तो निफा वायरस जो है वो मनुष्यों में सुअर, चमगादड़ या अन्य संक्रमित जीव जो है उनके संपर्क में आने से फैलता है और यह वायरस एक एनाफिलाइटिस के कारण बनता है। और जो लोग खजूर की खेती करते हैं उनमें यह इन्फेक्शन जो है बहुत ही जल्दी आता है। भारत से पहले 2004 में भी इस वायरस को बांग्लादेश में देखा गया है और इससे काफी लोग जो है वो प्रभावित हुए थे और काफी लोगों की इससे जान भी गई थी। तो अब आप कैसे पता करेंगे कि इसके लक्षण क्या है? तो इससे पीड़ित मनुष्य जो होता है वो इन्फ्लेक्टिक सिंड्रोम के रूप में, उसे बहुत ज़्यादा बुखार होता है, हेडेक होता है यानी कि सरदर्द होता है, मानसिक भ्रम होने लगता है और मनुष्य को कुछ समझ में नहीं आता है और आखिर में वो मौत की चपेट में आ जाता है। तो मलेशिया में इसके कारण तकरीबन 50% जो मरीज थे इसके, उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी उनकी। तो अब इससे बचाव कैसे कर सकते हैं आप? तो अभी तक इसका कोई भी इलाज नहीं निकाला गया है। साइंटिस्ट और जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक रिबावायरिन नाम की दवा देने की जरूर कोशिश की थी इस वायरस को रोकने के लिए, बट वो भी साबित हुई एक खिलाफी दवा के नाम पे। तो उस दवाई के कारण भी काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई और मनुष्यों में अभी तक इस वायरस को कैसे रोका जाए इसका कोई खास या कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो अभी तक डॉक्टर्स ने बताया हो। तो एकमात्र तरीका सिर्फ यही है कि आप अपनी खुद की देखभाल करें, सुअर, चमगादड़ या जो भी संक्रमित जीव हैं उनसे दूर रहे या जीवों से थोड़ा दूर ही रहें। तो यार अगर आप भी केरल में रहते हैं या कहीं उसके अदर स्टेट्स में रहते हैं तो हो सकता है कि वो जो राज्य हैं वो भी शायद संक्रमित होने वाले हों या चपेट में आने वाले हों। तो प्लीज़ अपना जो है केयर करें और देखें कि किसी भी जानवर से या चमगादड़ या सुअर से तो बिल्कुल दूर ही रहें। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में ताकि और लोगों को इसकी जानकारी मिल सके और किस तरीके से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, नया है तो बेल बटन भी ज़रूर दबाएँ।